नमस्कार। धर्म ज्ञान की खास पेशकश एक बार फिर। वार्षिक राशिफल साल 2020 में हमारे दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह ज्योतिषाचार्य देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, जिनकी हमेशा से मैं आपको बताती आई हूं कि राजनीतिक मुद्दों पर की भविष्यवाणियां हमेशा से सटीक बैठी है। चाहे 2014-19 में मोदी जी की सरकार बनानी हो या फिर गिरिराज सिंह जी का चुनाव जीतना, लालू यादव जी का जेल जाना हो, या फिर यूं कहें कि अब मोदी 2.0 की सरकार में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होना, ये तमाम वो भविष्यवाणियां हैं जो देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी कर चुके हैं और सिलसिलेवार तरीके से सच साबित होती आई हैं। और आज हम इनके साथ करेंगे आपका वार्षिक राशिफल। जी हाँ, जो कि कुछ दिनों बाद नव वर्ष लगने वाला है और ऐसे में मुझे पता है आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि आने वाला नया साल यानी कि साल 2020 खासकर आपके लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए कितनी खुशियां लाने वाला है, कितनी सौगातें आएंगी आपकी जिंदगी में, तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और कविता जी आपको भी। बिल्कुल, और आइए शुरुआत करते हैं कि नव वर्ष में राशि अनुसार आपके ग्रहों की चाल क्या कहती है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ और जहाँ तक हमेशा देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी बताते आए हैं कि नव ग्रहों का हमारे राशियों पर और हमारी जिंदगी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे शास्त्र में, वेद में लिखा है कि कुंडली जो है, हमारे ज्योतिष जो है, सभी शास्त्रों की आंख है, चक्षु है। तो इसके माध्यम से जैसे आप आंख खोलते हैं सारी दुनिया दिखने लगती है, उसी प्रकार जन्म कुंडली को ठीक से समझ के आप अपना व्यक्तिगत आकलन करा के, चूंकि इसमें तो सारा ब्रह्मांड है, 12 राशियां ही हैं, आपकी राशि क्या है, आपकी कुंडली क्या है, आपको क्या लाभ मिलना चाहिए, तो आप व्यक्तिगत लाभ ले सकते हैं। तो यह जो है आपको क्या परेशानियां हैं ये कुंडली से बता देगी और आप जीवन में कहां तक पहुंचेंगे, आपका आप जीवन में उन्नति के किस क्लाइमेक्स पर पहुंचेंगे, यह सब जन्म पत्रिका आपको बता देती है। अभी हम ग्रह की स्थिति बताएंगे कि नौ वर्ष में जो आरंभ हो रहा है वर्षारंभ, उसमें ग्रह की जो स्थिति है, आपके लग्न में जो है आपके शुक्र और चंद्रमा विराजमान है, मकर राशि में दूसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थ स्थान में कोई ग्रह नहीं है, पंचम स्थान में कोई ग्रह नहीं है, आपके छठे स्थान में राहु बैठे हुए हैं, सातवें स्थान में कोई ग्रह नहीं है और आपके अष्टम स्थान में कोई ग्रह नहीं है, भाग्य स्थान में भी कोई ग्रह नहीं है, आपके दशम स्थान कर्म स्थान में भी कोई ग्रह नहीं है, आपके एकादश स्थान में स्वगृही मंगल बैठे हुए हैं और आपके व्यय भाव में गुरु बुध सूर्य शनि और केतु अपने घर में विराजमान है। वर्ष के आरंभ में ग्रह की यही स्थिति बनी हुई है। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि आखिरकार नव वर्ष में आपके ग्रहों की चाल आखिरकार क्या कहती है और आप बारी आती है आपके करियर की। जी हाँ, नया साल आपके करियर को लेकर कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। करियर को लेकर आपके विद्या भाव के स्वामी, आपके करियर भाव के स्वामी, आपके व्यवसाय भाव के स्वामी, ये जो है जो इससे लाभ मिला जाए, चूंकि आप काम करते हैं दिल्ली में, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है स्विट्जरलैंड में, तो ये पंचमेश को ही ध्यान में देख के और भाग्य को ही ध्यान में देख के किया जाता है। तो आपके पंचमेश जो है आपके लग्न में बैठे हुए हैं, आपके राशि के साथ बैठे हुए हैं, तो आपको जो है विद्या से संबंधित काफ़ी उन्नति के योग हैं, आप बेहतर करेंगे, आप नई ऊंचाइयों को ले सकते हैं, शिक्षण कार्यों से जुड़ सकते हैं, चूंकि इसके मालिक शुक्र हैं, तो ऐसे जो जातक और जातिका होती हैं वो लेविशनेस के इर्द गिर्द रहते हैं, वो घर सज्जा, गृह सज्जा, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे वाहन, अच्छा अपना ड्रेस, अपना अच्छा सेंस भी इन लोगों के पास होता है। अगर इनको आर्किटेक्ट का नाम दिया जाए तो काफ़ी बेहतर होते हैं, यह लोग काफ़ी बेहतर रूप सज्जा के साथ साथ गृह सज्जा भी रखते हैं। तो इसमें भी अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए इस वर्ष काफ़ी अनुकूलता वाला रहेगा, जिसमें फैशन डिजाइनिंग है, आपको टेलीविजन का है, तो ये सब शुक्र के ही बेल्ट में आते हैं।
तो इस कुंडली के लिए भी, इस राशि के लिए भी कारक ग्रह शुक्र हैं और ये सब के काम के कारक भी होते हैं। चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि आखिरकार नव वर्ष खास तौर पे नौकरी पेशा वालों के लिए और व्यापारियों के लिए कैसा जाने वाला है। जी, नौकरी पेशा वर्ग को काफी लाभ मिलने वाला है और व्यवसायियों को व्यवसाय में और तरक्की होगी। वो नया अपना स्टोर दूसरे जगह खोल सकते हैं, अपने और स्टोर को लेके नए ढंग से उसको और खूबसूरत बना सकते हैं, अपने यहाँ स्टॉक बढ़ा सकते हैं, मान सम्मान में वृद्धि होगी, इनके दुकान में भी काफ़ी तरक्की होने के योग हैं, इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जनमानस में जनमन में इनका जो है नाम बढ़ेगा और नौकरी पेशा वर्ग के जो लोग हैं अधिकारियों की अधीनस्थता प्राप्त होगी और खासकर आपकी, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप इसको लेके आपके जो कलीग हैं वो थोड़ा आपसे दुश्मनी का भाव रखेंगे, जलस का भाव रखेंगे, लेकिन आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन आप अकारण ज़्यादा चिंतित रहती हैं, आप सकारात्मक, आप प्रयास करें, सकारात्मक सोचें। अकारण सोचने के कारण यहाँ बता रहा है मानसिक परेशानियाँ और घर परिवार भी थोड़ा परेशान हो सकता है। संयमित रहें, सही दिशा में रहें, एक घोड़े के जैसा एक सीध में देखें और आगे बढ़ें। बिल्कुल, और मानसिक तनाव से आप दूर रहिएगा। और अब बारी आती है आपके रिश्तों की। जी हाँ, नव वर्ष आपके रिश्तों में कितनी खुशियाँ भरने वाला है, कैसा रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन और परिवार में कितनी सौगातें आएंगी, कितनी छोटी छोटी खुशियाँ आएंगी, आइए जानते हैं। परिवार में आपको दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके सातवें भाव के स्वामी जो है आपके लग्न में बैठे हुए, दाम्पत्य जीवन आपका काफी बेहतर रहेगा। आपके अपोजिट की तरफ से, आप अगर आप पत्नी हैं तो पति की तरफ से, और पति हैं तो पत्नी की तरफ से, दोनों तरफ से काफ़ी मधुरता बनी रहेगी। आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग जो है, काफ़ी ग्रह मैत्री जिसे बोलते हैं, कुंडली में अष्टकूट मिलान होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ग्रह मैत्री, मतलब राशि का एक दूसरे का मिलना। तो इस वर्ष जो है दोनों की विचारधारा एक रहेगी, आपके घर में नया कुछ उपहार मिल सकता है, आपके घर में नन्हे मुन्ने भी आ सकते हैं, आप बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह की प्रस्तावना भी आ जाएगी और इस वर्ष वो शादी के जोड़े में भी बन सकते हैं, यानी कि घर में शहनाइयां बच सकती हैं आपके। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं आपकी सेहत की। जी हाँ, नव वर्ष में आपकी सेहत कैसी रहेगी, क्या आपको सेहत संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या नहीं, आइए जानते हैं। आपके रोग भाव के स्वामी जो हैं यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, तो राहु जो है आर्टरी और वेन जो है वहाँ के मालिक हैं और खासकर ये जो अदृश्य चीज़ों को देने वाले होते हैं, जैसे कभी आपको हेडेक हो सकता है, कभी नर्व से संबंधित परेशानियाँ हो सकती है, कभी कमर में दर्द हो सकता है, ये एक जगह स्टैटिक नहीं रहेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे रीजन यह है कि आप संयमित अपनी दिनचर्या नहीं रख रहे हैं। आप अपनी दिनचर्या को ठीक से रखें, मानसिक तनाव को ठीक से रखें, आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब भाग्य पर जाने से पहले मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को हमेशा की तरह याद दिला दूं कि अगर आपके भी व्यक्तिगत तौर पर अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण डॉक्टर त्रिपाठी जी से करवाना है, कुंडली से संबंधित कोई भी आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, वास्तु से संबंधित कोई सवाल आपके मन में हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपके हर सवालों का, आपके हर मुश्किल का समाधान स्वयं डॉक्टर त्रिपाठी जी देंगे। और अब बारी आती है भाग्य। जी हाँ, नव वर्ष में भाग्य आपका कितना साथ देगा, आइए जानते हैं। जी, राष्ट्रकवि दिनकर जी कहते हैं कि सबसे सीख बड़ी दुनिया की अपने को आबाद करो। तो यही भाग्य है, आपको अपने से संबंधित, अपने भाग्य से संबंधित, अपने उन्नति से संबंधित, अपने भाग्योन्नति को लेकर आपको कोई भी ऐसा पहलू बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए जो आपके भाग्य को बढ़ा सकता है। आपके भाग्य भाव के स्वामी जो हैं वो व्यय भाव में बैठे हुए हैं। आप जो है अनावश्यक काम में न करें, आप अनावश्यक कार्यों में अपना समय न दें, आप अनावश्यक जगह न जाएं, आप अपने आप को एक सीध में रखें, आपको क्या करना है वो गोल बनाएं और उसी के पीछे, उसी के साथ दौड़े, देखें आपका भाग्य भी साथ देगा और आप बेहतर करते चले जाएंगे। लेकिन स्कैटर्ड मोड में तीतर बीतर रहने के कारण आपको, चूंकि मान लिया जाए एक दीवार है
और इस दीवार को हमको यहाँ पे क्रैक करके तोड़ना है, तो आप यहाँ हिट करेंगे तब तो वो टूटेगा बिल्कुल, लेकिन आप कभी यहाँ मारे कभी वहाँ मारे कभी वहाँ मारे, इसमें होता क्या है कि आपकी शक्ति एग्जॉस्ट हो गई, एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई और आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो इस मकर राशि वाले को क्या करना है, आप अपने दिशा में सही दिशा में अपने गोल को सेट करना है, तब उसको हिट करना है, देखिए आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। बिल्कुल, यानी कि सही दिशा में आप कर्म कीजिएगा तभी भाग्य भी आपका साथ देगा। और अब हम चलते हैं अपने अंतिम पढ़ाव उपायों पर। जी हाँ, राशि अनुसार किस देवी देवता की आराधना आपको करनी चाहिए ताकि पूरे नव वर्ष पूरे साल आप पर भगवान और माता रानी की कृपा बनी रहे, और साथ ही साथ किन छोटे मोटे सरल उपायों के करने से जो जिंदगी में आने वाले संकट होते हैं वो टल जाए, आइए जानते हैं। मकर राशि वाले के लिए जो कारक ग्रह जो होते हैं वो माता रानी होती हैं। निश्चित रूप से आपको माता रानी की पूजा करनी चाहिए, आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मंत्र है दुर्गा सप्तशती में जो भी अबूझ मंत्र हैं, अगर आपको किसी भी ढंग से कोई परेशानी है तो सारे वहां पे लिखे गए हैं। अगर आप संपत्ति से संबंधित चाहती हैं, आप माता का शरण चाहती हैं और उन्नति चाहती हैं, चूँकि भगवान से आप कुछ मांगिए नहीं, आप उनके शरण में रहें। भगवान तो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, वो हमारे पिताओं के पिता हैं, वो सब जानते हैं, सब माता रानी जानती हैं कि आपको क्या चाहिए। तो आप इस मंत्र से ओम क्लीम, क्योंकि संपुटित कर देने से वह मंत्र जो है और शक्तिशाली हो जाता है, तो ओम क्लीम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वार्षार्थि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते क्लीम ओम, इसी मंत्र से आप पूजा पाठ करते रहें, वर्ष पर्यंत पूजा पाठ करें, माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। और इस वर्ष कुछ योजना बनाए कि अच्छे माता रानी के मंदिर में जाके दर्शन करें, देखें लाभ ही लाभ मिलेगा। और इसी के साथ अपने दर्शकों से इजाजत लेने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ये एपिसोड हैं ये नव वर्ष यानी कि नया साल खासकर 12 राशियों पर कैसा रहेगा, और प्रत्येक एपिसोड हमारा हर एक राशि पर पूरी तरह आधारित है। तो आपकी जो भी राशि, आप हमारे पिछले और आने वाले आगे के एपिसोड देख सकते हैं। और इसी के साथ मुझे और देवज्ञ डॉक्टर शिवपति त्रिपाठी जी को दीजिए इजाजत, और नए साल के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। जी नमस्कार, पुनश्च ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, यश कामनाएं, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।